मिस्टी, मिस्टी, दादी मिस्टी को कहीं देखा? क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? आपने मिस्टी को कहीं देखा? नहीं सौरभ, मिस्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं कहाँ चली गई है वो। नहीं मिल रही है मतलब? अरे घर में यही कहीं होगी ना। हमने हर जगह ढूंढ लिया, हमारा बच्चा बिना बताए कहीं नहीं जाता सौरभ, पता नहीं कहाँ चली गई है मिस्टी, उसे ढूंढ लिए, कुछ करिए। अगर मिस्टी को कुछ हो गया ना तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे, उसे ढूंढ के लाई है। ऐसे कैसे हो जाएगा? किसी ने अगर उसकी तरफ आग भी उठाकर देखा ना तो जान से मार देंगे हम, समझ में आया तुम्हें? कृष्णा, हम अपनी बच्ची को लेकर आएंगे, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। मिस्टी, मिस्टी, आप ठीक है? हाँ? आपको किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? हाँ ठीक हो ना आप? कहाँ चली गई थी? हाँ कहाँ चली गई थी बिना बताए, बोलो। मैं बताती हूँ, क्या हुआ? गला सूख रहा है, आवाज नहीं निकल रही, अपनी बच्ची पर हाँ चाहने के ख्याल से ही तुम्हारी रूह कांपने लग गई सौरभ सिंह, पांव तले जमीन खिसक गई तुम्हारी। इत्तेफाक से ही ये लम्हा तुम्हारे सामने आ गया तो तुम तिल में लाओ, लड़की की इज्जत तो तुम्हारे लिए सिर्फ सिर्फ एक मजाक है बस। एक लफ्ज भी और नहीं, अगर इसके अलावा तुमने और कुछ भी कहा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बेवजह शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं है कंचा, तुम शायद भूल रही हो कि तुम एक औरत हो और ऐसी लड़ाई एक औरत अकेले नहीं जीत सकती। अकेली नहीं है वो, हम हैं इनके साथ, और हां हमें कंचन जी के असली गुनहगार का पता चल गया। एक लेटर मिला था, मैं वही ड्राइवर हूं जिसने आपकी पत्नी कंचन के लिए सेब के वक्त उस गाड़ी को चलाया। मैं अपने गुनाह की सजा पा रहा हूँ, उस हैवान ने मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ा, मेरी बेटी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खुदकुशी कर ली। मैं आखिरी सांसें गिन रहा हूँ, उस ताकतवर इंसान से लड़ने की हिम्मत नहीं है, लेकिन आप ही हैं जो इस गुनहगार को सजा दिला सकते। जिसमें गुनहगार की सारी सच्चाई के साथ साथ उसका नाम भी लिखा हुआ था। उसके बाद हम कंचन जी से मिले और ये हमेशा की तरह खुद को छोड़कर बाकी सबके बारे में सोच रही थी। इन्हें अपनी कोई फिक्र नहीं थी, इन्हें फिक्र थी अनु की, इसलिए अकेले ही उस शैतान से लड़ने निकल पड़ी। पता चला तो हमारा मन किया कि उसे जिंदा जमीन में गाड़ दे, उसे जान से मार दे, लेकिन नहीं, ये सजा बहुत कम होगी उसके लिए। वो कंचन जी का गुनहगार और उसे सजा देने का हक
केवल और केवल कंचन जी को। इतनी आसान मौत नहीं दे सकते उसे, अकेले में नहीं। उसे सजा मिलेगी तो सारे समाज के सामने। कंचन जी, आज ये लक्ष्मण रेखा लांघने का नहीं, इसे हमेशा के लिए मिटाने का वक्त। आगे बढ़िए, हम आपके साथ। भाई, आप ही किसकी बात कर रहे हैं? उस गुनेगार की जिसमें बहुत ताकत है, अपनी मर्दानगी की, पैसे की, रुतबे की ताकत है। सब चुप है यहाँ, सबके सब, सबके होठ सिल गए। किसी के होठ समाज ने सिल दिए, किसी के होठ परिवार ने, किसी के होठ दो वक्त की रोटी ने, तो किसी के होठ इस सिंदूर ने। एक्चुअली गलती आप लोगों की नहीं है, गलती समाज की है, क्योंकि उसने आप लोगों को डरा कर रखा। धरा, आप किस बात की सजा काट रही हैं? शादी के रिश्ते में ना दो लोगों की जरूरत होती है, और इस रिश्ते में तो आप अकेली खड़ी। जिस रिश्ते में प्यार मर चुका है, उसमें शादी जिंदा कैसे रह सकती है? आपको अपने लिए खुद खड़ा होना होगा। मां, आपने क्यों सहा तब? क्यों आवाज नहीं उठाई आपने? क्यों उन हाथों को अपने आप से ज्यादा ताकत दी आपने कि इतने सालों के बाद भी वो घाव नहीं भर पाए? और आप तृष्णा जी, सबसे ज्यादा मजबूर तो आप हैं। मां पर कोड़े बरसे हैं, धरा का दिल टूटा है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा गहरा जख्म आपका है, क्योंकि आपका जख्म आपको प्यार की आड़ में मिला, आपके भरोसे को तोड़ा गया। जिस रिश्ते को आप संजो के रखती थी ना, उसी ने आपके स्वाभिमान को तार तार किया। और आप मेरे दर्द को नहीं समझ रहे? क्या है जिसे खोने से डर रही हैं? क्यों बचा रही हैं आप इस इंसान को? आप सब लोग चुप है ना, सब के सब, पर मैं चुप नहीं रह सकती। जिस हाथ से मेरी पूरी दुनिया बदल दी, मेरी खुशियां छीन ली, मुझ पर दाग लगाया, उसका गुनेगार सिर्फ मैं नहीं, न जाने और कितनी लड़कियां होंगी। अरे तुम जैसे जानवर को तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुम अभी थोड़ी परेशान होता है, बौखलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं। हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं। रेप की सिम्टम्स यही तो होते हैं, यही तो इल्यूजन होता है, कंफ्यूजन होता है। हर मर्द में आप अपने गुनेगार को ढूंढते हैं, हर मर्द आपको रेपिस्ट लगता है। यही तो हो रहा है कंचन के साथ, यही ट्रॉमा है उसके साथ, और ये सारे सिम्टम्स रेप के हैं। आपके पास लेटर आया है ना, आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि कंचन ने वो लेटर किसी के जरिए आपके पास पहुंचाया हो? वकील हो ना, लॉयर, केस लड़ते हो, समझते हो, जानते हैं ना कि केस जीतने के लिए एविडेंस ही होता है, सबूत। तो आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि कंचन ने अपने केस को सही साबित करने के लिए किसी के जरिए आपके पास वो एविडेंस पहुंचाया, और उन्हें लगता है कि उनका रेप हमने किया है, तो अपने सबूत जुटाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है।
आप में से किसी को इसने बताया? इसने अपने रेपिस का चेहरा देखा? अपने गुनहगार का चेहरा देखा तुमने? पहचानती हो उसका चेहरा? कोई सबूत है तुम्हारे पास? है सबूत? बेकसूर है ना? अपनी बच्ची के सर पर हाथ रखिए और कसम खाइए कि आप कंचन जी के गुनहगार नहीं है। सोच क्या रहे, खाइए कसम। गलती हमारी है। अगर हमने जरा से भी हिम्मत होती ना कंचन की तरह दुनिया के सामने सच बोलने की, तो यहाँ इस तरह हमारे सामने नहीं खड़े होते आज आप। कैसे आदमी है, अपनी बेटी के सर पे हाथ रखकर झूठी कसम खाने चले थे और सबूत की बात करते हैं आप? सबूत चाहिए आपको तो है हमारे पास सबूत। ये देखिए, आप ही है ना सौरभ, ये भीमा चौक का असली वीडियो है और ये वीडियो हमें उस ड्राइवर ने ही भेजा है सौरभ। बहुत पछताओगे कृष्णा। पछताएंगे, जरूर पछताएंगे, अगर हमने ऐसे घर में अपनी औलाद को जन्म दिया जहां आप जैसा दरिंदा रहता हो। कई साल पहले हमने चुप रहने की गलती की थी, आज वो गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। कंचन जी, ये लीजिए त्रिशूल और कर दीजिए संहार इस दुष्ट का। ले लीजिए बदला हर उस लड़की का जो उसकी शिकार हुई। विशेष, इतनी आसान सजा है, इसकी सजा तो मिसाल बननी चाहिए, सबक जो चार दीवारी के बाहर भी गूंजे, कि हर आदमी ये पाप करने से पहले 100 बार सोचे। नहीं, इसको सजा मैं नहीं दूंगी, कानून इसे सजा देगा। Hey, this is the same.
आइए इंस्पेक्टर साहब। लेकर जाइए इन्हें। चलिए। हाँ चलते हैं, चलते हैं। छोड़िए हमें, चलना आता है हमें। इतना गुरूर अच्छा नहीं। फिर मिलेंगे कोर्ट। चलिए चलिए। साइड इधर आ जाओ, पीछे रहना वरना गोली मार देंगे। पीछे पीछे, चलिए पीछे, हिलना मत। मुझे कानून का डर दिखाएगी मुझे? हाँ, अरे चेहरे पर छुर्रियां पड़ जाएंगी, साल पर साल बीतते जाएंगे लेकिन ये केस कभी खत्म नहीं होगा। पीछे हिलना मत। कानून को हम अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। पर हाँ, हमने रेप किया था, हमने आपकी बीवी का रेप किया था, तो वो कानून जिसके साथ हम खेलते हैं रोज, उससे हमें सजा दिलवाएंगे। और रही बात भगवान की, भगवान भगवान आप जैसे लोगों का दिल बहलाने के लिए बस, क्योंकि हमारी नजर में ना तो कोई भगवान है और ना कोई उसका इंसाफ है। अरे अगर इसको इंसाफ मिलना होता तो अब तक मिल चुका होता। मिला इंसाफ कंचन? नहीं मिला ना, क्योंकि हमारे भगवान हम हैं और हमारा इंसाफ यह है कि हम तुझे फिर बर्बाद करेंगे। हम तेरा गुरूर तोड़ेंगे और तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कंचन मैं ना तेरी जिंदगी बर्बाद करके छोड़ूंगा। देख विशेष, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, ये बात हर दिवाली पर तुम कहती थी, लेकिन तुम्हारी इस बात पर भरोसा अब हुआ है। आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। इंसाफ मिलता नहीं, उसे हासिल करना होता है, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। पांव डगमगाए तब भी, मन घबराए तब भी, जब तक खुद हम अपनी मदद नहीं करेंगे तब तक कोई और हमारी मदद नहीं कर सकता। थैंक यू मां, इस लड़ाई में तुम्हारी आंचल का साय हर पल था।
आपको अपनी जीत मुबारक हो कंचन जी। ये केवल आपकी जीत नहीं, ये जीत है उन सारी लड़कियों की जिन्हें कुचलने की कोशिश की गई। आप एक उम्मीद उस जमीन की जहां पे अब किसी भी लक्ष्मण को कोई भी रेखा कभी भी खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई रावण अपनी मर्यादा लांघने की कोशिश नहीं करेगा। ना कोई डर होगा, ना ही कोई दायरा, ना ही कोई मर्द की लंका होगी और ना ही किसी लक्ष्मण की लक्ष्मण रेखा। थैंक यू विशेष। हमें आप पर नाज़ है कंचन जी। मुझे भी।